हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो आज 4 सितंबर का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट इज बांग्लादेश साइंस एग्रीमेंट विथ रिलायंस पावर ऑफ इंडिया टू सेट अप द गैस बेस्ड प्लांट इन मेघनाघाट। जो मेघनाघाट कहाँ पर है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश ने अभी साइन किया है रिलायंस पावर ऑफ इंडिया के साथ। किस लिए किया है दोस्तों? गैस बेस्ड प्लांट लगाने के लिए, जो कहां पर लगाया जाएगा? मेघनाघाट बांग्लादेश में। मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बांग्लादेश से रिलेटेड एक्स्ट्रा जो जीके से रिलेटेड नॉलेज है वो देख लेते हैं। तो जैसा आपको पता होगा, कैपिटल क्या है बांग्लादेश का? ढाका। एंड करेंसी क्या चलती है वहां पर? टका, ठीक है। और प्रेसिडेंट आपको पता होगा अब्दुल हामिद जी हैं। और लैंग्वेज वहां पर बंगाली चलती है। और वहां की हेड कौन है? शेख हसीना जी हैं, ठीक है। और नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर है, नेशनल बर्ड रॉबिन है ना। और ये इसको रिकॉग्नाइज कब किया गया था, मतलब ये इसको आज़ादी कब मिली थी? 16 दिसंबर 1971 को, ओके। ये कंट्री बना था। एंड इसका कॉन्स्टिट्यूशन 4 नवंबर 1972 में बना हुआ था, ठीक है। और नेशनल गेम वहाँ का क्या है? कबड्डी है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP14 टू द UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन बिगन एट ग्रेटर नोएडा। तो अभी जो 14वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है COP14 है, वो स्टार्ट हो गया है। और ये इसका पर्पस क्या है? कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन पर इस पर बात की गई है, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ है? नोएडा में हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ना, कहाँ पर हुआ है ना, कौन सा था 14th कॉन्फ्रेंस, COP14 था, और इसका पर्पस क्या था? कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जो अभी आपको पता है ये विराट कोहली जी की फ़ोटो दिख रही है। तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप चल रही है ना। तो उसमें अभी इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दोनों टेस्ट जीत लिए और ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गई है, ठीक है। और न्यूजीलैंड जो है वो एक टेस्ट जीती है और एक हारी है, तो सेकंड पोजीशन पे है। बाकी ऐसे सीरियल से सभी टीमें, तो इसका जो रिजल्ट है, मतलब जो होगी, वो शायद मे बी 2021 में आना है, ठीक है। तो जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अभी इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है। करंट से रिलेटेड नहीं है, बट करंट में अभी ये चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रही है, हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रिक्ट सेलिब्रेटिंग अग्रेरियन फेस्टिवल नौखाई, ठीक है। तो जो नौखाई फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं, है ना। तो नौखाई फेस्टिवल फ्रॉम ओडिशा। चलिए नेक्स्ट इज पीएम मोदी विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर हिज लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू द स्वच्छ भारत अभियान। तो आपको जैसा पता ही होगा, अभी पीएम मोदी जी को बहुत सारे ढेरों पहले भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने भी ऑनर किया था, है ना। अपने जो उनके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिए हैं, जैसे अभी बहरीन ने भी एक अवार्ड दिया है उनको, मोदी जी को, है ना। रशिया ने भी दिया था अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यूएई ने भी दिया है, सऊदी अरेबिया ने भी दिया हुआ है ना, और भी अदर, जैसे यूएन का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला है। तो अभी बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, उन्होंने मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड अभी दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किस फाउंडेशन ने दिया है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने, और किस लिए दिया है? स्वच्छ भारत अभियान का, जो इसमें लीडरशिप की है उन्होंने, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट इज महिंद्रा टू एक्वायर अप टू 55% इन मेरू कैब्स। तो जो मेरू कैब्स है उसमें महिंद्रा क्या कर लेगी? उसका जो 55% एक्वायर कर लेगी उसके शेयर्स, ठीक है। जब अभी ओला कैब एंड उबर ये नहीं चलती थी, तो उस टाइम पे मेरू कैब्स काफ़ी अच्छा पोजीशन पे था, बट जब से ओला और उबर आया ना, तो इसका थोड़ा डिम हो गया है। नेक्स्ट देखिए, तो अभी किसने इसको एक्वायर कर रहा है? महिंद्रा इसकी 55% शेयर एक्वायर कर रहा है। इतनी सी चीज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मेगा वेंडर मीट 2019 हैज़ बीन कंक्लूडेड एट लखनऊ। तो अभी लखनऊ में क्या हुआ है? वेंडर मीट हुई है, ठीक है। मेगा वेंडर मीट 2019 लखनऊ में हेल्ड हुई है। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें कि मेगा वेंडर मीट कहाँ पर हुई है? लखनऊ में हुई है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूपी के एग्जाम में ही आएगा, अगर कुछ एग्जाम में नहीं आएगा,
है ना, तो आपको पता होना चाहिए, यूपी से, यूपी जीके से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाते हैं, करंट अफेयर्स यूपी का। चलिए नेक्स्ट, प्रहलाद सिंह पटेल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर आर्किटेक्चरल एलईडी इल्यूमिनेशन एट कुतुब मीनार। तो अभी प्रहलाद सिंह, जो प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, ये क्या हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट कल्चर एंड टूरिज्म के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि अभी एक फर्स्ट एवर आर्किटेक्चर है जिसमें एलईडी लाइट लगाई गई है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया या यूएई की जो वो बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स रहती हैं उनमें एलईडी लाइट लगाकर उनका नाइट शो किया जाता है, तो वैसा यहाँ पर भी किया गया। तो किस बिल्ड, किस मॉन्यूमेंट्स में किया है, कुतुब मीनार में किया है, ठीक है। याद रखिएगा किसमें एलईडी लाइट लगाई हुई है अभी इल्यूमिनेशन के लिए, एलईडी इल्यूमिनेशन कुतुब मीनार में। चलिए नेक्स्ट, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI रिजीम बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड इंडिया किक्ड ऑफ फ्रॉम सितंबर 1, 2019। जैसा कि अभी आपको कल के उसमें करंट अफेयर्स में बताया था, कल के कि क्या बताया था कि स्विट्जरलैंड ने अभी एग्री हो गया है अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो सितंबर 1 से ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया को प्रोवाइड करवाएगा बैंक्स की, ठीक है। तो लोग, तो जैसा मैंने बताया था, लोग बहुत चालाक हैं, अपना पैसा सारा पहले ही निकाल के कहीं और उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन किसके साथ है, तो स्विट्जरलैंड एंड इंडिया। नेक्स्ट, मोर स्टूडेंट्स कम अंडर एजुकेशन स्कीम। तो दिल्ली में एक स्कीम है जय भीम मुख्यमंत्री योजना, है ना, तो इसको क्या हुआ है, इसमें और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऐड कर लिया गया है। पहले ये केवल SC ST के लिए था, लेकिन अब इसमें ना OBC एंड EVS कोटे कैटेगरी से भी लोगों को, स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, है ना। और इसमें क्या होगा कि इस स्कीम में ऐसा है कि जो बच्चा कोचिंग करना चाहता है ना, उसके पास पैसा नहीं है उतना कि वो कोचिंग की फ़ीस, उतना फीस भर पाए, है ना, और कोचिंग कर पाए, तो जो दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, तो उसमें अब OBC और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी ले लिया जाएगा। तो जो भी फीस होगी वो दिल्ली सरकार ही भरेगी, है ना, दिल्ली मीन्स अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, वो 40,000, है ना, जितनी भी फीस होगी वो दिल्ली सरकार ही प्रोवाइड करवाएगी। तो चलिए नेक्स्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि जय भीम मुख्यमंत्री योजना कहाँ से है, तो दिल्ली से है। नेक्स्ट, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC अनवील इट्स न्यू लोगो एंड सर्टिफिकेट आइडेंटिटी। तो आपको पता होगा CBFC के बारे में, ये क्या करती है, जो भी फिल्म बनती हैं, सीरीज बनती हैं, सीरियल्स बनते हैं, तो इनको क्या करती है, एक सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं, तो जिनमें UA सर्टिफिकेट, A सर्टिफिकेट, है ना, तो इनमें क्या होता है, ये किस कैटेगरी में ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, किस कैटेगरी में इस फिल्म को रखेंगे, उसके लिए सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, है ना, और जो भी वल्गर अगर ऐसा कुछ है उसमें, तो उसको कट भी कर देते हैं ये लोग, और फिर सर्टिफिकेशन देने के बाद फिल्म रिलीज होती है। तो इसने अभी अपना न्यू लोगो बनाया हुआ है। नेक्स्ट, लोगो डिज़ाइन बाय रोहित देवगन। तो ये लोगो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, रोहित देवगन जी के द्वारा, और चेयरमैन कौन है CBFC के, प्रसून जोशी जी हैं, ठीक है। तो बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लोगो वगैरह का, बट आपको पता होना चाहिए कि CBFC के चेयरमैन कौन है, तो वो प्रसून जोशी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, रशिया इज होस्टिंग द 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEF समिट 2019। तो कौन होस्ट कर रहा है, आपको पता होना चाहिए, रशिया, ठीक है। तो जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2019 है, ये रशिया होस्ट कर रहा है, और मोदी जी अभी वहाँ गए भी हुए हैं। तो PM मोदी विल टेक पार्ट इन द EEF ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट एंड ऑल्सो अटेंड द 20th एनुअल समिट बिटवीन रशिया एंड इंडिया। तो मोदी जी इसमें पार्ट लेने गए हैं, इसमें पार्ट लेंगे मोदी जी, ठीक है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। और जो आपको पता होना चाहिए EEF समिट 2019 कहाँ हुई है, तो रशिया में हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज मोदी एक्सपेक्टेड टू साइन मेजर LNG पैक्ट विथ रशिया। तो वहाँ पर मोदी जी क्या करने जा रहे हैं, LNG साइन पैक्ट है, तो उसमें रशिया के साथ साइन करने जा रहे हैं। तो इंडिया टू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन रशिया ऑयल फील्ड्स। तो रशिया में जो ऑयल फील्ड्स हैं उसके साथ ये पैक्ट करने जा रहे हैं, LNG पैक्ट, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फिनिश्ड एट द टॉप ऑफ द
India finished at the top of the ISSF World Cup Rifle Pistol Championship in Rio de Janeiro. ठीक है, तो अभी रियो डी जनेरियो, जैसा अभी लास्ट आपको लास्ट सेशन में बताया हुआ था कि इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं. ठीक है, तो जो अभी जो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, ये कहाँ पर हो रही है? रियो डी जनेरियो में, है ना. तो इसमें टॉप किसने किया है? टॉप कंट्री है इंडिया, 5 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इंडिया प्लेजेस 200,000 फॉर हेल्थ इमरजेंसी फंड. तो इंडिया 200,000 क्या करेगी? फंड देगी इमरजेंसी हेल्थ के लिए. ठीक है, तो आपको इतना ही पता होना चाहिए. WHO की जो सारी वो चलती रहती हैं स्कीम्स, उसमें इंडिया 200,000 रुपीज़ फंड करने जा रही है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि इंडिया विल कंट्रीब्यूट टू 200,000 टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिपेयरनेस स्ट्रीम अंडर द साउथ ईस्ट एशिया हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड, है ना. तो जो साउथ, जो आपका ये एशिया का दिया हुआ है साउथ ईस्ट एशिया हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड, तो इसमें 200,000 ये पे करने जा रहे हैं. ठीक है, देंगे. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, चलिए इसके बाद सेशन फिनिश हो गया. थैंक यू गाइस, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.